हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की सिविल सर्विसेज की तैयारी? गाइस, मैं हूं समीर चौधरी और आज हम लोग अपनी क्लास में लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर रमेश सिंह कंप्लीट बुक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो उसका एक लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उस लेक्चर को पहले देखिए। उस लेक्चर का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। और साथ साथ गाइस, ये जो पीडीएफ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इस पीडीएफ का भी मैं रेफरेंस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो गाइस, मेरा सजेशन आपका यहीं पर यही है कि आप अपने कॉपी में नोट्स वगैरह बनाइए। और मेरा अगेन ये बात मैं आपको फिर बोलूंगा कि ये रमेश सिंह की बुक आप प्लीज परचेज कर लीजिएगा, जहां से भी आप ले सकते हैं, ठीक है? और इसका पहले वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन स्टडी कर लो, क्योंकि अगर आपने ये बुक कर ली तो आप ये मान के चलो आपकी सिविल सर्विसेज का इकोनॉमी का एक मेजर पोर्शन कवर हो गया। एंड आफ्टर दैट, जब आप लोग इकोनॉमिक सर्वे और बजट या उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस वगैरह या कुछ और टॉपिक स्टडी करोगे तो आप वहां पे ब्लैंक नहीं बैठोगे, आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आ जाएगा। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक जो कि हर कोई रिकमेंड करता है। मैं भी इस बुक को रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी हम लोग अपने सेशन में डिस्कशन कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 आप प्लीज हेडिंग लिख लीजिएगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक छोड़ा था वो टॉपिक हमने लास्ट में एडम स्मिथ और ग्रेट डिप्रेशन तक किया था। उसके बाद हमने कहा था कि हम लास्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लेटेस्ट एडिशन है उसके बेसिकली 21 चैप्टर्स हैं, जिसके जिसके बाद 22 और 23 ऐसे करके इको सर्वे है एंड गवर्नमेंट बजट है, राइट? एंड एडिशन पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एडिशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि जो जो आपका फैक्ट है तो वो तो फैक्ट आपका मैं डिस्कस लेटेस्ट वाले ही करूंगा, और जो इको सर्वे और गवर्नमेंट बजट है वो आपको हर साल का पढ़ना है। तो इसीलिए मैं ट्राई करूंगा कि जैसे अगर आप मान लीजिए आपने ये रमेश सिंह बुक अभी मेरे साथ कर ली एंड दिस इज आवर 14 एडिशन, और अगर आप मान लीजिए 2-3 साल बाद ये वीडियो देख रहे हैं तब भी आपके लिए कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। टॉपिक नहीं बदलता, चैप्टर नहीं बदलता, सब कुछ सेम रहता है, बस फैक्ट बदलते हैं, ठीक है? वो तो गाइस आपको जब करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो फिर आपके टर्म्स न्यू न्यू आते जाएंगे। बेसिक आइडिया क्या है इस बुक को करने का कि आप इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छे से जान जाओ कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, इकोनॉमी होती क्या है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन यहाँ पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट मी, ठीक है? मेरा नाम समीर चौधरी है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। बेसिकली मैं यूजी पीजी एंट्रेंस और एकेडमी की क्लासेस पढ़ाता था, ठीक है? और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब जो मेजर मेरा जो फील्ड है वो यूपीएससी हो गया है, ठीक है? क्योंकि ऑन डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स अब मैं यूपीएससी की क्लासेस बेसिकली प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है? एंड मेरे जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो माइक्रो मैक्रो इंडियन इको इंटरनेशनल इको इन डेवलपमेंट को, ये मेरे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हमारा प्रीलिम्स प्रीलिम्स मेंस, ठीक है, और प्रीलिम्स मेंस एंड इकोनॉमिक्स ऑप्शन है। ये चीजें हम लोग अपने क्लासेस में प्रोवाइड कराते हैं, राइट? एंड हमारे चैनल पे और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी डिटेल सारी है, ठीक है? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और इफ यू हैव एन इक्वायरी देन यू कैन बेसिकली आस्क मी हेयर, ठीक है? semiconclasses@gmail.com। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। देखिए, हमने लास्ट क्लास के अंदर यहीं तक पढ़ा था। बेसिकली हमने लास्ट क्लास के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो का डिस्कशन किया था लास्ट क्लास के अंदर। एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ पे सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, इसमें हम लोगों ने 3 सेक्टर तो वो पढ़े थे जो मेजर लेवल के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्वार्टनरी सेक्टर और क्यूनरी सेक्टर, ये भी हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है? नाउ अभी जो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक सिस्टम होता है क्या है। आप भले ही इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं हो, इकोनॉमिक्स कहते उसी चीज को है कि नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड पर्सन भी समझ ले। देखिए, एक तरह का एक एक कह सकते हो सिस्टम होता है। सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक कोई भी ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन है, ठीक है? मान लो मैं हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो
मेरी लाइफ है और मेरी लाइफ में कुछ चैलेंजेस होंगे। चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, मान लीजिए एग्जांपल मुझे क्लॉथ चाहिए, मुझे फूड चाहिए, मुझे शेल्टर चाहिए, ठीक है। और अगर और इकोनॉमिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिक रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजें होती हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं वाटर भी अब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो ये मेरी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सरवाइव करने के लिए मुझे चाहिए होती है। अब जरा एक बात समझिएगा, इसमें से एक चीज उठा रहा हूँ मैं, फूड, ठीक है। मैंने उठाया यहाँ पे फूड। अब एक फूड है, अब फूड का मतलब क्या होता है भाई, ऐसा तो है नहीं कि मेरे को थाली में सजा हुआ खाना मिल जाएगा, नहीं। फूड मैं हूं तो मैं फूड की कंजम्पशन करूंगा, आई एम बेसिकली अ कंज्यूमर ऑफ द फूड, बट हु इज द पर्सन जो फूड को प्रोवाइड करेगा। तो फूड ये से एग्जाम्पल कंजम्पशन है, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डायमेंशन आएंगे। फर्स्ट थिंग, हु प्रोड्यूस द गुड्स, हु प्रोड्यूस द फूड, एंड हु बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट द फूड, राइट। प्रोड्यूस इसके इसको प्रोड्यूस कौन करने वाला है और इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करने वाला है। एंड मान लीजिए कोई 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 इसको प्रोड्यूस करेगा, देन हाउ ही बेसिकली इंटरेस्टेड टू प्रोड्यूस दैट गुड, और इस गुड को, इस फूड वाले गुड को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे इनिशियल लेवल पे जो चीज चाहिए होती है, दैट इज इन्वेस्टमेंट, बिकॉज एनी 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 प्रोडक्शन वी नीड सम मनी, वी नीड सम मनी। एंड यू नो मनी इज नॉट अ फ्री थिंग, मनी समबडी बेसिकली प्रोवाइड मी मनी एज इन्वेस्टमेंट, बिकॉज उसके रिटर्न में उसे एक इंटरेस्टेड चाहिए होता है या कुछ रिटर्न चाहिए होता है। तो एक जनरली हम मान के चलो, मैं एक कंट्री का, एक इकोनॉमी का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फूड अकेला ऐसे नहीं आ जाता, फूड के लिए कुछ प्रोसेस होता है, राइट। एक बेसिक आइडिया है जो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। दीज आर दी थिंग्स जो कि एक कंज्यूमर या ह्यूमन अपने अपने लाइफ में चैलेंजेस फेस करता है, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि हु डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स, सो देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन हु आर इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स इन द इकोनॉमी, राइट। अभी हम लोग नेसेसरी गुड्स की बात करें, जैसे फूड की बात कर ली, और दूसरी चीजें भी होती हैं, ठीक है, जो नेसेसरी नहीं बट हैं। तो दोनों चीजें आप माइंड में रखिएगा, देर आर सम चैलेंजेस एंड एंड देर आर टू डायमेंशंस। ध्यान रखना एग्जाम में आ जाए कि हाउ मेनी डायमेंशन, तो देर आर ओनली टू डायमेंशन विच, पहला है प्रोडक्शन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, एंड आफ्टर दैट दूसरे के डायमेंशन भी दूसरे के सब डायमेंशन होंगे, ठीक है। ये बेसिक नोट है, यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कशन कर रखा है। अब फर्दर डिस्कशन होगा। अब देखिए एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में अब आप ऐसा सोचिएगा, प्रोडक्शन में जैसे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इज समहाउ नोन एज कैपिटल, राइट। आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज होती है। अब उस इन्वेस्टमेंट में हम एज लैंड भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल भी यूज कर सकते हैं, लेबर जनरली हम गिवन दैट मान लेंगे, क्योंकि जब आप लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो शायद आपको पता लगेगा कि लेबर इज द ओनली इनपुट विच इज कंप्लीटली मोबाइल, राइट। तो लेबर की बात हम लोग हटा देते हैं, एंड फिजिकल रिसोर्सेज, नो डाउट इट इज बेसिकली मशीनरी टाइप थिंग्स, प्लांट्स, मशीनरी, ऑल सच थिंग्स, ठीक है। नाउ अब बात आ जाती है कि चलो ये सब चीजें हमें समझ में आ जाती है। अब क्या है कि हमारे जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैटेगराइज होता है फोर पार्ट्स में, फोर इकोनॉमीज में। पहला है हमारा इधर यहाँ पर, फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल इकोनॉमीज, कमांड इकोनॉमीज, मिक्स्ड इकोनॉमीज, एंड मार्केट इकोनॉमीज। गाइस प्लीज रिमेम्बर दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर बेसिकली कैन आस्क्ड दिस द क्वेश्चन फ्रॉम हियर, ठीक है। वो क्या कर सकता है, वो आपसे ऑप्शन दे देगा कि इकोनॉमिक सिस्टम्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डैश पार्ट्स, ठीक है। अब वो आपको यहाँ पे एक दो तीन चार करके दे देगा, और दो ऑप्शन कुछ उल्टा रख देगा, दो ऑप्शन ये रख देगा, जैसे एग्जांपल मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, राइट, हाईली कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कुछ भी वो इकोनॉमी का नाम दे देगा, और बोलेगा जी इकोनॉमिक सिस्टम में कौन सी आती है, तो फिर आपको वो सही आंसर करेक्ट चूज करना पड़ेगा। तो आप प्लीज याद रख लीजिए, पहला है ट्रेडिशनल, इसको लिख लीजिएगा, लिखा हुआ मैं फिर भी लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ट्रेडिशनल, कमांड नाम बदल के आ सकते हैं मिक्स्ड, ठीक है, ध्यान ना मिक्स्ड में सोशल और कैपिटलिस्ट दोनों आ जाता है, ठीक है, और मार्केट, ठीक है। तो ये चार है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है उसके जो डिस्कशन है, फर्स्ट किसकी साइड से किया गया है, बाय एडम स्मिथ, ध्यान रखना।
मैं आप लोगों को को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला जो डिस्कशन डिस्कस किया गया है इकोनॉमी को लेकर, वो बेसिकली सजेस्टेड बाय एडम स्मिथ, एंड एडम स्मिथ कह लो या फिर वो इकोनॉमिक्स जो बिफोर केन्स आए, ये चीज समझ लीजिएगा। आप लोगों ने वैसे थोड़ी बहुत तो इकोनॉमिक्स पढ़ी भी होगी, अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो कोई बात नहीं, आप आगे पढ़ोगे, अभी ही पढ़ लोगे। हमारे इकोनॉमिक्स की दुनिया में दो ही इकोनॉमिस्ट का नाम चलता है, ठीक है? मतलब केन्स से पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट आए हैं उन सबको क्लासिकल्स का नाम दिया है। अगर मैं ओरली आपको लिस्ट बताऊं तो सबसे टॉप लेवल पर जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नाम आता है वो एडम स्मिथ का आता है, डेविड ह्यूम का आता है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, मतलब कौन कौन वो लोग जिनका नाम क्लासिकल इकोनॉमी में आता है। बड़े बात सुनना, यहाँ पे जो ट्रेडिशनल वर्ड लिखा हुआ है इस ट्रेडिशनल को ही क्लासिकल्स बोला जाता है, ठीक है? अगर एग्जाम में बाय चांस क्लासिकल वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ट्रेडिशनल एक ही बात है, वो एडम स्मिथ, डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि एडम स्मिथ से 20 साल पहले उनका एक आर्टिकल आया था, द बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैं रिपीट करूं अपने वर्ड्स, एडम स्मिथ यानी 1776 उनका जो ईयर था वो ये था उनके आर्टिकल का, ठीक है? तो इनसे पहले आर्टिकल आया था, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन 1756 बाय डेविड ह्यूम, ठीक है? फिर इनकी बात आई, इनके बाद फिर बहुत से इकोनॉमिस्ट आए, मार्शल आए, मिल्टन फ्रीडमैन आए, ठीक है? वो तो चलो मिल्टन फ्रीडमैन तो बहुत बात है, मतलब आप मान के चलो कि इनसे पहले जितने भी इकोनॉमिक्स आए वो सब के सब कौन थे, क्लासिकल्स या फिर ट्रेडिशनल थ्योरी पर बेस्ड थे। लेकिन अगर हम बात करें तो एडम स्मिथ का नाम काफी फेमस है, यानी दो ही इकोनॉमी फेमस है, एक एडम स्मिथ की थ्योरी और एक केन्स की थ्योरी। तो एडम स्मिथ वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया, एक ट्रेडिशनल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, और उनका एक जो है बुक था, बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। काफी लोगों को पता है, फिर भी आप इस चीज को याद रखिएगा, एक इनका ईयर याद रखिएगा, लिटिल बिट चांस के वो एडम स्मिथ के बारे में ऐसी चीजें पूछ सकते हैं। अच्छा, कुछ बातें हैं एडम स्मिथ की, कुछ बातें हैं आप कह सकते हो अजम्पशंस, ठीक है? ये अजम्पशंस हैं, और जो लोग इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के वो शायद समझ सकते हैं अजम्पशंस, बहुत इजी इजी है, मैं बताता चल रहा हूँ, पेपर में आ सकती है इनकी, मतलब वो कह सकते हैं बिलो बिलो अजम्पशंस आर, मतलब यह हो सकता है विच अजम्पशंस आर रिलेटेड टू द एडम स्मिथ अजम्पशंस, ठीक है? बिलो जो भी वो क्या करेंगे, तीन चार अजम्पशन दे देंगे आपको और वो बोलेंगे कि इनमें से कौन कौन सी एडम स्मिथ की अजम्पशंस हैं। देखो अगर हम बेसिक लेवल की बात करें तो गवर्नमेंट कंट्रवेंशन नहीं था, ठीक है? परफेक्ट कंपटीशन था, ओनली लेबर द ओनली इनपुट था, प्राइस और विजन में फ्लेक्सिबिलिटी थी, ठीक है? ये सब बातें आप कब पढ़ोगे, जब आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की बात करोगे, इन केस अदरवाइज आप बेसिक समझ सकते हो। जैसे ही है सेल्फ इंटरेस्ट, बस इतना याद रखना, सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब हर कोई अपने बारे में बेहतर कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल आप हो, कहने के आप क्लासिकल थ्योरी को फॉलो कर रहे हो, कैसे? जैसे आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हो, ठीक है? मेरा चैनल, मेरा डिस्कशन यूट्यूब पर है, मेरी रिसोर्स को आप यूज कर रहे हो, यानी आप अपने बारे में बेहतर सोच सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात? आपने किसी से पूछा तो है नहीं कि हम समीर सर का असाइनमेंट क्लासेस का लेक्चर देख ले, नहीं, यू बेसिकली डिसाइड यूर सेल्फ बेटर, ठीक है? किसी और के बदले, तो एक ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? और दूसरा इनका है इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट ही मतलब वही हो जाता है, कंप्लीटली नो गवर्नमेंट ऑफ या नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी मार्केट में इनविजिबल हैंड थ्योरी चलती है, ठीक है? जिसे एनिमल स्पिरिट बोला जाता है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, एनिमल स्पिरिट को आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक यहाँ पर टर्म आ जाता है मार्जिनल एनिमल स्पिरिट का, दूसरा नाम बता रहा हूँ मैं, बहुत माइनर माइनर। देखो मेरा टारगेट यही है कि ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोगों को मेरे को इस तरीके से इकोनॉमी सिखानी है कि एग्जाम में माइनर माइनर बातों से बच्चा ना फंसे। देखिए आप इस बुक को कर लोगे और हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट इस बुक को कर लेगा, लेकिन बच्चे फिर भी फंसते हैं। कहाँ फंसते हैं? ऐसी जगह पे फंसते हैं जहाँ पे डेप्थ आ जाती है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप किसी ऐसे पर्सन से पढ़े जो इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज्ड हो और इकोनॉमिक्स में कई साल एकेडमिक्स को पढ़ा चुका हो, तभी ये टॉपिक उसके वीक होंगे। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे एमबीए वाले लोग, ऑब्वियसली बात है, मान लीजिए किसी ने एमबीए करा, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, एमबीए करा उन्होंने और यूपीएससी की प्रिपरेशन करी, ये बुक पढ़ ली या कोई और रेफरेंस पढ़ लिया, देन उनको लगता है कि हो गया, नहीं, कई सालों की मेहनत होती है, ठीक
अब एनिमल स्पिरिट का मतलब नहीं पता होगा? हाँ ये पता होगा कि एनिमल स्पिरिट कुछ होता है, यहाँ पे इसका नाम आता है, पता नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज मार्जिनल एफिशिएंट कैपिटल, इसका एक दूसरा नाम होता है मार्जिनल एफिशिएंट कैपिटल, यानी यानी दिस इज द रेट एट विच इन्वेस्टर इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट, या आप ऐसा समझ सकते हो, और मैं आसान कर दूं थोड़ी सी, आप ऐसा समझ लो कि मान लीजिए आप, आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप 100 रुपए को किस जगह इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, तो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। तो एनिमल स्पिरिट का मतलब होता है द पीपल बेसिकली इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट देयर अमाउंट इन मोर इन 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 दोज प्रोजेक्ट विच आर वेरी प्रॉफिटेबल, ठीक है, सो दिस इज द सब टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अच्छा एक होता है मार्केट इंटरेस्ट रेट, एक होता है MEC यानी मार्जिनल एफिशिएंट कैपिटल, ये दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, रिमेंबर दैट। आई रिपीट, एनिमल स्पिरिट एक तरह का ये कंसेप्ट होता है, एनिमल स्पिरिट वाला कंसेप्ट, क्लियर। एनिमल स्पिरिट को मैं और समझा देता हूँ, ये एक तरह का धोखा होता है, ठीक है, एक तरह का धोखा होता है कि लोगों को दूर से बता दिया जाता है कि इस बिजनेस में पैसा लगा दो, ये बड़ा प्रॉफिटेबल है। एनिमल स्पिरिट, मृग दिक्षणा, हिंदी में कहते हैं इसे मृग दिक्षणा, ठीक है, दूर के ढोल सुहाने दिखा दिए जाते हैं। तो क्या होता है, लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, जब लोग उसमें इन्वेस्ट करने लग जाते हैं तो मार्केट में पैसा कम जा रहा होता है, और जब मार्केट में पैसा कम जा रहा होता है इसका मतलब मार्केट का इंटरेस्ट रेट वेरी करने लग जाता है, यानी मार्केट का इंटरेस्ट रेट आपका यहाँ पे कम होने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर मार्केट के अंदर पैसा नहीं जा रहा होता। क्लियर, ये बात मेरी समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये पॉइंट बस माइंड में रखिएगा, सेकंड पॉइंट। एंड एंड मेनली इधर ये तो इजी सी चीज है, ये है मेन बात आपको समझने वाली, दैट इज एडम स्मिथ के अकॉर्डिंगली अगर आप इनविजिबल हैंड की बात करो, तो इनविजिबल हैंड बेसिकली वर्क एट डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, मार्केट फोर्सेस, यानी इनविजिबल हैंड तभी चल सकता है जब मार्केट फोर्सेस और ठीक है डिमांड सप्लाई अपने हिसाब से चले, मतलब वट एवर। देखो एडम स्मिथ की थ्योरी थी, एक इकोनॉमिस्ट आए थे जेबी सेज, उनकी थ्योरी थी जो एडम स्मिथ के बाद थे 1803, उन्होंने कहा था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी वट एवर दे प्रोड्यूस दे विल डेफिनेटली डिमांडेड बाय द इकोनॉमी, क्लियर। तो ये मतलब ये देखो सप्लाई तो फुल रहेगी, ठीक है, सप्लाई तो वी विल ट्राई टू प्रोड्यूस एज मैक्सिमम पॉसिबल, एंड डिमांड डाउनवर्ड रहेगी, ठीक है। वो कभी मौका मिलेगा अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तरफ जाओगे तो शायद इतना डिटेल पढ़ोगे, अभी फिलहाल इतना इतना माइंड में रखेगा कि डिमांड सप्लाई के बेसिस पे आप इनविजिबल हैंड थ्योरी काम कर सकती है, क्लियर, मेरी यहां तक बात समझ में आ गई। और देखो इसी चीज को और एफिशिएंट लेवल पे अगर बात करो तो दिस इज नोन एज अ लेजर फेयर, ठीक है, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट का कम से कम इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर जितना, या आप कह सकते हो नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, क्लियर, ठीक है ना गाइस, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है, बहुत इजी लैंग्वेज है, ठीक है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और यू कैन से दैट लेस ऑफ द गवर्नमेंट बेटर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। देखो ये पता है ये इंटरेस्टिंग है, ये आपका जीएस में आ सकता है, प्लीज मार्क मार्क दिस क्वेश्चन, ये आपका जीएस में आ सकता है कि एलेबोरेट लेस ऑफ द गवर्नमेंट बेटर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, फुल स्टॉप, एलेबोरेट करो। तो आपको यहाँ पे पता है क्या करना होगा, आपको कंप्लीट क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन करनी होगी, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी ही है ये, ठीक है। अब आप बोलो सर ऐसा तो हमें कैसे पता चलेगा, वही मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं ये ट्राई, अभी ये रमेश सिंह बुक हो जाए, फिर उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। एंड वन मोर थिंग, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल हो आपके लिए, अगर आप जैसे सही से ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस रेस करिएगा, ठीक है, अपने क्वेश्चंस आप पूछे, मुझसे पूछे, मैं आपके डेफिनेटली क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, ठीक है ना बेटा,
चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। एक इनकी अजम्पशन ये भी है, ठीक है, रेगुलेटेड बाय कंपटीशन, दैट इज द परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है एग्जाम में। एज एडम स्मिथ हिमसेल्फ कॉल्ड सच एन इकोनॉमिक सिस्टम एज द सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा, ये भी आने के चांसेस रहते हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। अब यहां से आगे चीज जो बढ़ती है, दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है हमारा कैपिटलिज्म, दूसरा है फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। एक है हमारा कैपिटलिज्म, दूसरा है फ्री मार्केट इकोनॉमी। प्लीज याद रखिएगा, जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम है, इको सिस्टम इज बेसिकली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। पहला है कैपिटलिज्म, और दूसरा है फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। पहला है कैपिटलिज्म, दूसरा है फ्री मार्केट इकोनॉमी, प्लीज भूलना मत, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग बेसिकली यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए आप अपने माइंड में ये रखिएगा कि जो कैपिटलिज्म होता है उसका मतलब क्या होता है। कैपिटलिज्म इज फोकस्ड ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड ऑनरशिप ऑफ द प्रोडक्टिव एसेट्स। कैपिटलिज्म मतलब अमीरी। मान लीजिए जो आदमी अमीर है, अब जैसे हमारा एक 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 पर्सन है, हमारा जानकार एक आदमी है, मुकेश अंबानी, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है इन लोगों का, क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, किस तरीके से काम करते हैं, इनका ट्राई ये रहता है कि अपनी वेल्थ क्रिएट करें और प्रोडक्टिव एसेट्स पे ऑनरशिप क्रिएट करें। व्हाई? बिकॉज जितना इनका कंट्रोल रहेगा वेल्थ पर, जैसे जैसे आपने एक बात शायद सुनी होगी, अगर आपको इतने पता हो, अमेरिका में एक प्रॉब्लम हुआ करती थी, 1% प्रॉब्लम। 1% क्या, कि अमेरिका के जो 1% लोग हैं, या सिटीजन कह सकते हो आप, ठीक है, वो मोर देन 90% अमेरिका के मालिक हैं, ऑनर है वो। आपको एग्जाम्पल दूं मैं, डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप है, आप उसको प्रेसिडेंट बाद में बोलो, पहले वो बहुत अमीर आदमी है, बहुत सारे उसकी एरियाज हैं, ठीक है, बहुत बड़ा आदमी है डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी। समझ रहे मेरी बात को? तो क्या है ये यही तो चीज है कैपिटलिज्म। ये जो अमीर है वो अमीर होता रहता है, क्योंकि वो अपनी ओनरशिप और अपनी वेल्थ को क्रिएट करता है, ठीक है। दूसरा है हमारी इकोनॉमी में फ्री मार्केट इकोनॉमी। देखिए फ्री मार्केट इकोनॉमी इज व्हाट, फ्री मार्केट इकोनॉमी इज फोकस्ड ऑन द एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, यानी कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर मैं कैपिटलिस्ट हूं तो मैं सोचूंगा कि सारा पैसा मेरे पास आ जाए, अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी के बिहाफ पे सोचूंगा तो मेरे माइंड में आएगा कि जो जो वेल्थ है वो एक्सचेंज होती रहे इधर से उधर, ठीक है। सेंस में आपके मान के चलो डिमांड एंड सप्लाई, चलो प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मेरे पास समझ में आ गई, बहुत बेसिक लेवल पे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बस वो चीज वही है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी इज सोलिली बेस्ड ऑन द मार्केट फोर्सेस एंड देयर इज लिटिल और नो गवर्नमेंट रेगुलेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज कहाँ थी, ये चीज एडम स्मिथ की थ्योरी में है, ये दिमाग में रखना गाइस। दिस थ्योरी इज बेसिकली वेयर, ये कहाँ है, ये एडम स्मिथ की थ्योरी में है। क्या चीज है कि जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है वो बेस्ड है अकेली किस चीज पर, डिमांड सप्लाई पर, और यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट चलता है। और दूसरी चीज सेज लॉ भी यहाँ पे लग जाएगा, सप्लाई के रेट सिर्फ ऑन डिमांड, वट एवर द सप्लाइड इन द इकोनॉमी दे ऑलरेडी डिमांडेड बाय द पीपल, राइट। इकोनॉमी के अंदर कुछ भी सप्लाई होगा वो डेफिनेटली लोगों की साइड से डिमांड हो जाएगा। नन ऑफ द इन्वेंट्री गेट्स वेस्ट, ठीक है, वो थोड़ी सी भी इन्वेंट्री, बिल इतनी सी भी इन्वेंट्री वेस्ट नहीं होने वाली। देर इज ऑलवेज अ नॉन वेस्टफुल एलोकेशन, राइट, ये टर्म लिख लेना, नॉन वेस्टफुल एलोकेशन, नॉन वेस्टफुल एलोकेशन, क्लियर। क्या बोला मैंने, नॉन वेस्टफुल एलोकेशन, इस वर्ड को याद रख लेना। ये जितने वर्ड में लिखवा रहा हूं ना, ये सब पूछे जाएंगे पेपर में, और पूछे जाएंगे, और ध्यान रखना सिलेक्शन उसका नहीं होगा जो सारा सिलेबस करके जाएगा, ठीक
बिल्कुल नहीं, सारे सिलेबस तो यार, क्योंकि सारा सिलेबस कभी हो भी नहीं सकता है। आप भले प्रिपरेशन में थोड़ा ज्यादा समय ले लो, लेकिन पक्का करके जाओ। इलेक्शन सिर्फ उसी का होगा जो चीजों को पक्का करके जाएगा, ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए और हो गया सिलेक्शन। क्लियर? आगे बात करें हम लोग, यहाँ पर दिमाग में रखिएगा ये चीजें बेसिक्स हैं, इनमें ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। पर एक छोटा सा डिस्कशन में आपसे कर रहा हूँ कि अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे पहले ये चीज किसने यूज करी, तो ये 1777 में आफ्टर अनाउंसमेंट, आफ्टर पब्लिशिंग द वेल्थ ऑफ नेशन बुक, यूएसए ने 1777 में इस चीज को यूज करा, ठीक है, सिस्टम को ट्राई करा, वेयर कैपिटलिज्म स्प्रेड अक्रॉस द होल यूरो अमेरिका, नॉर्थन अमेरिकन, वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। ये टर्म कुछ याद रखना, अगर बहुत ही ज्यादा खराब पेपर आता है तो शायद इतनी चीजें पूछ ली जाए आप लोगों को, ठीक है। तो इसके बाद में समय भी समय आगे बढ़ता गया, इसके बीच के डिस्कशन यहाँ नहीं करना, वो इकोनॉमिक ऑप्शनल में करना है। फिर एक दिन ऐसा आया जिसे हम कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब ये हो जाता है हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखिए एक बात ध्यान रखना, जो लोग नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हों, भले ही उन्होंने कितने ग्राउंड पढ़ ली हो अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कुछ लोग हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन कर ली एंड मतलब उन्होंने अन अकेडमी ने उनको अपने यहाँ पे बुला लिया, उन्होंने लेक्चर दे दिया, मुझे समझ में नहीं आता वो लेक्चर किस तरीके से लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, लेक्चर दे दिया और फिर उनका क्लास स्टार्ट करवा दी, बस उनका ये है कि उन्होंने यूपीएससी पेपर दे रखा हो। अरे ऐसे नॉलेज नहीं होती है, वो ग्रेट डिप्रेशन का मतलब कुछ और बताएंगे, उन्हें पता ही नहीं बेचारों को, उन्होंने सिर्फ बुक पढ़ ली, इसमें नहीं लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है ग्रेजुएशन की बुक्स में, जब आप पढ़ते हो बुके एबल एंड ब्रेनैन के, या ग्रेट डिप्रेशन की जॉन मिनर केन्स की बुक है, वहां पर लिख रखा है हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन। इसको बोलते हैं हाई अनएम्प्लॉयमेंट और हाई इन्फ्लेशन, ठीक है। आप बोलो सर ये तो मतलब ऐसे कैसे कह सकते हो आप, हाँ ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जॉन मिनर केन्स ने, जो कि इसका अगला टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ, उन्होंने जो बुक लिखी उस बुक का मेजर पॉइंट वही था, द थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी उन्होंने हाई इन्फ्लेशन और हाई एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के मेथड्स बताए, हाउ दे कैन कंट्रोल, हाउ द गवर्नमेंट इंपॉर्टेंस इन द इकोनॉमी, Why you say that there is no government intervention? You know, government is the only organization which support the economic system because everyone is self-interest person and top level पे capitalist आते हैं और capitalist अगर अपना फायदा सोचेंगे तो गरीब होगा, बेड़ा गर्क होगा, right? तो ये Great Depression की बात थी, यहाँ से Great Depression start हुआ। Great Depression basically बहुत तरह की theory पर based है, बहुत सारी theories हैं ग्रेट डिप्रेशन पर। आई विल ट्राई के मैं आप लोगों के लिए ग्रेट डिप्रेशन पे एक अलग से बात, एक अलग से लेक्चर दूं, जो ग्रेट डिप्रेशन बेसिकली था किया, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, बाकी देखते हैं, ठीक है। चलिए बस ये छोटी सी बातें हैं, आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन क्या क्या चीजें हुई, दो हैव लोअर परचेजिंग पावर दैट इज पुअर, नेग्लिजिबल टू टोटल एब्सेंस ऑफ वेलफेयर एक्शन फ्रॉम द स्टेट, ऑब्वियसली बात है इस बात का वेलफेयर, जब आपने कह ही दिया था गवर्नमेंट इंटरवेंशन ही है, क्योंकि वेलफेयर तो सिर्फ गवर्नमेंट ही सोच सकता है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो इकोनॉमी में बहुत बड़े लेवल की इनइक्वालिटी अराइज हो रही थी, ठीक है, काफी चीजें प्रॉब्लम में आ रही थी, एंड आफ्टर दैट एक ऐसा समय आया कि गवर्नमेंट को इंटरवेंट करना पड़ा, पैसा खत्म हो गया, एंड देन वहां पे एकमात्र सोर्स होता है गवर्नमेंट को के थ्रू काम करवाने का, सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो टैक्सेस से होती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर ग्रेट डिप्रेशन का टर्म आया, जैसे कि आपको पता है 1929 ये ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड था, कुछ लोगों के अलग अलग व्यू थे, लेकिन जो असली बात है वो 1933 ये असली ईयर है, जो 1929 to 1933, यानी दीज फोर ईयर्स इकोनॉमी विटनेस द डिप्रेशन ग्रेट लेवल, ठीक है। तो अब आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन फिर समझ में आया कि नहीं यार मिस्टेक हो रही है, हम हर चीज को साथ में लेके नहीं चल सकते, हमें कुछ चीजों को अलग अलग करना पड़ेगा, यानी इकोनॉमी में कुछ मैक्रो लेवल की चीजें होती है, यानी एग्रीगेट लेवल की चीजें होती हैं,
इन्फ्लेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, एंड कुछ माइक्रो लेवल की चीज होती है, इंडिविजुअल फर्म होती है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल पीपल होते हैं, ठीक है, हाउस होल्ड्स होते हैं, सबके अलग अलग डिमांड सप्लाई होती है, राइट, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। ध्यान रखना उस हम इससे पहले हर चीज को मतलब माइक्रो मैक्रो नहीं हुआ करती थी, सिंपल कंसेप्ट हुआ करता था, दैट वाज इकोनॉमी, राइट, इकोनॉमिक सिस्टम्स। जॉन मिनट केन्स वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का इन्वेंशन किया, इन्वेंशन नहीं कह सकते हो, उन्होंने बोला भाई ये मैक्रो है, ठीक है। वैसे तो फर्स्ट टाइम माइक्रो मैक्रो 1960 में आइडेंटिफाई हुई थी अलग अलग बढ़िया तरीके से, लेकिन जॉन मिनट केन्स ने अपने बुक में, ठीक है, द ब्रांच केम इनटू बीइंग आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ हिज सेमिनल वर्क दैट इज द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। अब आपके लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर 1933 तक तो ग्रेट डिप्रेशन चला, और ये भाई साहब 1936 में, अब बीच के चार साल क्या हुआ, तीन साल, थ्री ईयर्स, तो मैं बताता हूँ 1933 में एक इकोनॉमिक्स और आया था, मैं लिख रहा हूँ, बट ये देखिए क्योंकि मुझे नॉलेज है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यूपीएससी आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज की एक्सपेक्टेशन रखता है, वो बिल्कुल नहीं बोलता कि आप टू द पॉइंट चीजें पढ़ के आ जाओ, बस इतना इसको जरूर पढ़ो, बस इसके ऊपर भी जाओ। तो मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कशंस कर रहा हूँ, कुछ नाम याद करा रहा हूँ, प्लीज उसको याद रख लेना, ठीक है। मेरी एक स्ट्रगल है, मेरी मेहनत है आप लोगों पर, तो प्लीज उसको याद रख लीजिएगा। एक इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था ACPGU, उन्होंने बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या लिखी थी उन्होंने, द थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है। और जनरली माना जाता है कि केन्स का जो मेन कंसेप्ट है, इन अ वेरी सिंपल टर्म, केन्स सजेस्टेड दीज इकोनॉमिक्स टू इंक्लूड सर्टेन ट्रेड्स फ्रॉम द अदर इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज नॉन मार्केट इकोनॉमी। अब देखो उस टाइम क्राइसिस आए थे, अब आप मार्केट इकोनॉमी में थे, मार्केट इकोनॉमी व्हाट, कंप्लीट कैपिटलिज्म और नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो उन्होंने बोला नॉन मार्केट की तरफ आ जाओ भाई, और गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी इसको, ठीक है, यहां से चीजें स्टार्ट होंगी, ठीक है। ये कार्ल मार्क्स है जी, ये फोटो मैंने इसलिए लगा रखे हैं, वो मैंने नहीं, वो एक्चुअली है क्या, जब मैं आपके ये नोट्स बना रहा था तो मैंने देखा बहुत अच्छे नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, बस इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए मैंने, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, ये बच्चों वाली बातें बिल्कुल भी ना हो, छोटे बच्चों वाली की, उनके नोट्स, उनके नोट्स, नोट्स किसी के नहीं होते, सब कुछ इस बुक में से है, और ये फोटो वोटो गूगल से है, ठीक है, ठीक है। तो कोई अगर आप में से कोई फैकल्टी भी है, कोई टीचर भी है, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, ठीक है, वो चाहे तो इन नोट्स को अपने अपने में यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने इस बुक से और गूगल से मिला के बनाया है, ठीक है, और टाइपिस्ट ने टाइप करा है, और जो मुझे असिस्ट करते हैं उन्होंने इसको प्रूफ रीड करा है, मैं सिर्फ आपको डिलीवर कर रहा हूँ नॉलेज, ठीक है। अब नॉन मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या था, देखो नॉन मार्केट इकोनॉमी को दूसरे नाम से जाना जाता है, प्लीज रिमेंबर दैट, स्टेट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये इसके तीन अलग अलग तरह के नाम हैं, नॉन मार्केट को कमांड इकोनॉमी भी बोला जाता है। अच्छा, इसका जो टेक्निकली कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था, ठीक है, बाय कार्ल मार्क्स, इनके जो ईयर ऑफ पीरियड 1818 to 1883, एंड ही वॉज बेसिकली सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, इसलिए इनकी थ्योरी थी, ठीक है। और ये आइडिया सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट की साइड से याद रखिए, सोशलिस्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट है जी अन्नदाता, ठीक है, गवर्नमेंट इज द अन्नदाता, ठीक है। अच्छा, ये कुछ इनके कंसेप्ट है कि जो हमारे सोशलिस्ट मॉडल थे, दैट इज USSR 1970 to 1989, स्टेट वॉज हैविंग ऑनरशिप कंट्रोल ऑन ओनली नेचुरल रिसोर्सेज इन द कम्युनिस्ट मॉडल। देखो चाइना में भी था 1949 to 1985, द स्टेट यूज टू हैव ऑनरशिप कंट्रोल ओवर लेबर ऑल्सो, ठीक है, ये इनके कंसेप्ट हैं, राइट। ये बस सोशलिज्म को डिस्कशन किया गया है, हाउ द इकोनॉमी सोशलाइज्ड, राइट, वेलबींग ऑफ ऑल, ये बेसिक सी बातें, इनसे कोई खास क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, बस ये आप माइंड में रखिएगा, ठीक है, ये आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। दिस वन ऑल्सो
ये कुछ टर्म जरूर याद रखेगा। देखिए एग्जांपल जैसे नो प्रॉपर्टी राइट्स गिवन टू इंडिविजुअल्स गाइडेड बाय द बिलीव दैट इट प्रमोट्स एक्सप्लोटेशन ऑफ द लेबरर्स दैट इज प्रोलेटरिट एंड हेल्प्स अ स्मॉल माइनॉरिटी दैट इज बोर्गेजेस टू गेट रिचर ओवर टाइम रिजल्टिंग इन टू इंक्रीज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इनकी थ्योरीज है बेसिकली। दिस सिस्टम फर्स्ट गॉट ट्राइड बाय द बोल्शेविक्स इन द एक्स यूएसएसआर 1919। ये टर्म याद रखना प्लीज। ये कुछ बातें देखो, इन बातों को समझना कुछ नहीं हुआ था, ये याद रखने वाली बात होती है। देखो ये फैक्ट है, अब इनमें समझना कुछ नहीं है। क्यों हुआ था यार, ये तो अब हिस्ट्री में पढ़ोगे कि ऐसा क्या हुआ था उस टाइम, लेकिन ये हुआ था। ये चीज आप याद रखिएगा इकोनॉमी के हिसाब से, ठीक है। एंड दीज आर दी सेम थिंग्स, नो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वही सब चीजें रिपीट है, ठीक है, जितना चीजें यहाँ से हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट, दैट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो 1930 यानी ग्रेट डिप्रेशन तक आते आते मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट आ चुका था। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेलिंग ज्यादा हो गई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशल इकोनॉमी, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशल इकोनॉमी। टेक्निकली ये बात ये तब समझ में आई जब मार्केट इकोनॉमी अडॉप्टेड सर्टेन पॉलिसी चेंजेस दैट इज बोरोइंग फ्रॉम नॉन मार्केट इकोनॉमी टू रिकवर आउट ऑफ द डिप्रेशन। मतलब उन्होंने नॉन मार्केट इकोनॉमी पता है कैसे कहते हैं, सोशल को, सोशलिज्म को, या आप कह सकते हो गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट से उधार ले, बात बताओ, जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ही नहीं आपने बोला था तो आप उधार कैसे ले सकते हो उनसे। तो लेकिन उन्होंने उधार लिया, फिर समझ में आया कि नहीं यार ऐसा हो सकता है और इकोनॉमी को ऐसा, मतलब इकोनॉमी को अगर अपने यहाँ पे चीजों को मेंटेन करना है तो अब उनको एक नेशनल प्लानिंग अडॉप्ट करनी पड़ेगी। यानी अब जो डिसीजन है वो नेशनल लेवल पे लिया जाएगा, ना कि पर्सनल लेवल पे, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब देखो जब भी हम नेशनल लेवल पर आते हैं तो दो चीजें हो जाती है। देखिए एग्जांपल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को डिसीजन ले रही है, गवर्नमेंट यह मान के चलो प्रोडक्शन कर रही है, तो गवर्नमेंट के माइंड में दो तरह के गुड्स की बात होगी। एक होगा प्राइवेट गुड, जो कि अच्छी बात है, प्राइवेट गुड मतलब कोई भी गुड कमोडिटी जो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। एक होगा पब्लिक, गवर्नमेंट का मेन फोकस यहाँ पर होगा, मतलब गवर्नमेंट प्रोड्यूस तो दोनों करेगी बट गवर्नमेंट का मेन फोकस यहाँ पर होगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, गवर्नमेंट ने एक अपना ऑफिस बनाया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, तो वो उनका है, उस पर राइट उन लोगों का है, वो मेरे आपके लिए घूमने के लिए नहीं है। जैसे राष्ट्रीय भवन है, वो सॉरी संसद भवन है, अब संसद भवन में जाना इतना आसान थोड़ी है, क्या इतना आसान है एंट्री वहां पर जो अभी नया बना है, मतलब टाइम हो गया इसको, नया वाले में पुराने वाले में भी इतना आसान थोड़ी है, वो पब्लिक नहीं है। लेकिन अगर वो रोड बनाए वहां पर जाना आसान है, आराम से जाओ आओ जाओ घूमो फिरो। इंडिया गेट है, वो भी मान के चलो मेंटेन बाय गवर्नमेंट, ठीक है, तो वहां पे आना जाना आसान है, बट संसद भवन में आना जाना आसान नहीं है। टेक्निकली सब चीजें हैं, ध्यान रखना यहाँ पे सेक्टर्स की बात होती है, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, राइट। दे आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज, प्राइवेट गुड एंड पब्लिक गुड, ठीक है। अब हल्के हल्के करके ये चीजें एक्सपेंड हुई, ठीक है। पहले मान के चलो पहले कैपिटलिस्ट था, फिर वर्ल्ड बैंक को समझाया गया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक वो है क्योंकि पैसा तो बैंक से ही आएगा, वर्ल्ड बैंक को समझाएगा कि यहाँ पे इंटरवेंशन इकोनॉमी में जरूरी होता है, तो वर्ल्ड बैंक एक्सेप्टेड द नीड ऑफ स्टेट इंटरवेंशन। यानी देखो एक तो होता है सेंट्रल एंड एक होता है स्टेट। देखो ये आप ना पढ़ोगे, ठीक है, अपने अदर सब्जेक्ट में इसको गवर्नेंस वाला टॉपिक जब पढ़ोगे या लक्ष्मीकांत इसको जब पढ़ोगे, वैसे ही हमारा पब्लिक गुड्स में इकोनॉमिक्स में भी है, पब्लिक इकोनॉमिक्स में भी आएगा ये, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज एक्सेप्ट करी, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज आ सकती है। हु बेसिकली एक्सेप्ट द नीड ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इन द मार्केट इकोनॉमी, वर्ल्ड बैंक, IMF या USSR बैंक्स, वो बैंक्स का नाम ले देंगे, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक फर्स्ट एक्सेप्ट द नीड ऑफ द स्टेट इंटरवेंशन, ठीक है, ये भी इससे रिलेटेड है आपका, ठीक है। तो आफ्टर दैट ये यहाँ तक हमारा डिस्कशन हो गया इधर तक, ठीक है, आप प्लीज इसको एक बार मार्क कर लीजिए, ठीक है।
तो अभी हम लोग अपने क्लास में यहाँ तक रखते हैं, आप प्लीज इसको यहाँ तक अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं। वैसे आप ये काम कर सकते हो, जैसे ये बुक है, आप क्या करना, पहले मेरा लेक्चर देखना, ये जो मैंने पॉइंटर बनाए हैं इनको आप प्लीज अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए जितना आप नोटिंग करेंगे उतना आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा, फिर इस बुक में से आपको चीजों को स्टडी कर लेना, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम जैसे चैप्टर खत्म होता जाएगा हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करते रहेंगे। पहले हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, ठीक है ना गाइस, पहले हम ऑब्जेक्टिव फोकस रखेंगे, क्योंकि तो पहले आपकी ऑब्जेक्टिव कमांड होनी चाहिए। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू प्रोवाइड द प्रीलिम्स ऑल पास्टर क्वेश्चन डिस्कशन, ठीक है। मैं ये ट्राई भी करता हूँ, फिर अभी बहुत सारा डिस्कशन करना है, इकोनॉमिक सर्वे भी डिस्कस करना है, गवर्नमेंट बजट भी डिस्कस करना है, एंड ये एक तरह का प्रोसेस है, ठीक है। सो इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज सपोर्ट करिए, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अगर अच्छा लगता है तो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क इन द कमेंट ऑप्शन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।